दक्षिण कश्मीर का जिला शोपियां अपने खूबसूरत कुदरती नज़ारों के लिए जाना जाता है। जहां पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, वहीं जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो इस क्षेत्र की हरियाली इस खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। पर कुदरती नज़ारों से बड़े इस क्षेत्र में पर्यटक ना के बराबर अपना रुख करते हैं और इसका मुख्य कारण है पर्यटन विभाग का इस क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं देना। इन दिनों हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद जहां पर्यटक गुलमर्ग और अन्य पर्यटकों स्थलों पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, वहीं सौंदर्य से भरे इस क्षेत्र में सन्नाटा पसरा पड़ा है। स्थानीय लोगों ने जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग से कुदरती नज़ारों से भरपूर इस खूबसूरत ज़िले में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जहां जिला शोपियां में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं जिले में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। इन्हीं साइन बोर्डों पे ही ज्यादा तवज्जो देती है तो और किसी पे तवज्जो नहीं दे, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट तवज्जो नहीं दे रहा है यहाँ हमारे शोपियां डिस्ट्रिक्ट को। आपने देखा है यहाँ कितना दिलफरेब मंजर आपने जो देखा है यहाँ पे हमारे शोपियां में, ये तो स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, मगर गवर्नमेंट की नज़र से उजल हो गया है। अगरचे हमने मनोज सिन्हा जी से भी अपील की थी, हम भी उनसे मिले थे, तो उसने हमें पूरा यकीन दिलाया था कि इस साल हम शोपियां में टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, मगर पता ही नहीं है कि ये डायरेक्टर साहब कहाँ बैठे हैं कि वो क्यों नहीं तवज्जो दे रहे हैं। तो हमारा जो शोपियां है जिस शाहरा पे है खड़े हैं इस वक्त, ये मगर शाहरा के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ से जो चार पांच जगह जो मुंतखब की गई है ये टूरिज्म मैप पे लाने के लिए कि अभी तक नहीं हुआ है। जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं जो डिग्री याफ्ता घर में बैठे हुए हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर थोड़ा बहुत तवज्जो दी जाए यहाँ पे, अगर सिर्फ टूरिस्टों को यहाँ एक बार लाया जाए, वो फिर खुद ही बार बार चले आएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऐसा मंजर है जो दिल को छू लेता है। फिर न टूरिज्म डिपार्टमेंट को कोई जरूरत थी, न किसी और को कोई जरूरत होगी यहाँ पे। सिर्फ एक बार उनको लाना था यहाँ पे, टूरिस्ट को सिर्फ एक बार यहाँ लाना था, तो बाकी वो खुद ही फिर यहाँ आ जाते, हमारी जो तरक्की हो जाती यहाँ डिस्ट्रिक्ट शोपियां की, वो भी एक मुमकिन हो जाती। और जो बेरोजगार नौजवान है, जो डिग्री याफ्ता नौजवान है, वो भी इस टूरिज्म डिपार्टमेंट में शरीक होके तो अपना रोजगार भी कमा सकते थे और पूरी तरह हमारा शोपियां डिस्ट्रिक्ट आबाद हो जाता।